विदेशों में। दोस्तों, विदेशों में शूटिंग की क्या सबसे बड़ी वजह हाई बजट फिल्म की है? क्या पहली फिल्म कौन सी थी जो विदेश में रिलीज हुई? नहीं जानते तो इस वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं हूं पलक गुप्ता, मैं स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज के इस एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी फिल्मों की जिनकी शूटिंग भारत से बाहर हुई है। अगर बॉलीवुड फिल्मों पर नजर डालें तो विदेश में इनकी शूटिंग ज्यादा से ज्यादा हुई है, और ये तो कह सकते हैं कि 90% फिल्मों की शूटिंग बाहर विदेशों में हुई है। क्यों, इन्हें हमारा देश पसंद नहीं आया क्या? फिल्म मेकर्स इसके पीछे तमाम फायदे गिनाते बैठते हैं, और इसके बदलते हुए ट्रेंड्स तो हम दर्शकों को खूब पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं विदेश में बॉलीवुड की पहली फिल्म कौन सी शूट हुई थी? दोस्तों याद कर लो, अरे फिल्म संगम तो आपको याद होगी, अरे जो कि 1964 में आई थी। इस फिल्म में राज कपूर थे। ये भारत की पहली फिल्म थी जिसे विदेश में शूट की गई थी। फिल्म लव ट्रायंगल पर बेस्ड थी। इसमें राज कपूर, विजयंती माला और राजेंद्र कुमार की ब्रीच की प्रेम कहानी दिखाई गई थी। आपको शायद वो सीन याद हो जब राज कपूर विजयंती माला से शादी करने के बाद हनीमून पर जाते हैं। हनीमून के लिए राज कपूर यूरोप जाते हैं, और असल में इन दृश्यों की शूटिंग यूरोप के कई देशों में की गई थी। राज कपूर और विजयंती माला के रोमांस के सीन वेनिस, पेरिस और स्विट्जरलैंड में फिल्माए गए थे। हाय क्या सीन थे! पूरे कैबिन क्रू को इन जगहों पर ले जाने में राज कपूर को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ा, लेकिन संगम की सफलता से उनके पैसों की अच्छी वसूली कर दी, जिससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ। इतना ही नहीं, यह राज कपूर प्रोडक्शन की पहली रंगीन फिल्म भी थी। 60 के दशक के बाद बॉलीवुड में फिल्मों को विदेश में शूट करने का सिलसिला शुरू हो गया। इन दोनों फिल्मों के बाद लव इन टोक्यो 1966 में और प्रेम पुजारी से लेकर यश चोपड़ा की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में स्विट्जरलैंड और यूरोप में शूट हुई। अब इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो भारत के बाहर बनी हैं या बन रही हैं, लेकिन शायद उनकी लोकप्रियता इतनी नहीं थी जितनी इन फिल्मों की थी। अब ऐसी ही फिल्म RRR और R4 आ रही है, जिसकी शूटिंग बल्गेरिया में होने वाली है। बाकी शूटिंग भारत के हैदराबाद से लेकर महाबलेश्वर तक जारी है। दोस्तों, हमारा देश तो काफी सुंदर है, चाहे कितने भी देश लाइन में क्यों ना लगे हो। तो दोस्तों, अब अलविदा बोलने का समय आ गया है। आप अपना देश घूमते रहिए, दूसरे भी घूम लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट मनीषा जैन ने लिखी है। अलविदा, मैं तो चली घूमने, आप भी जाइए।